डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम टेरिस के बारे में बात करेंगे। टेरिस एक टेरिडोफाइट है और इसकी मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है, यानी इसकी मेन प्लांट बॉडी रूट, राइजोम और लीव्स में डिवाइडेड होती है। सबसे पहले अगर हम बात करें इसकी रूट्स की, इसमें प्राइमरी रूट्स बहुत जल्द ही नष्ट हो जाती है और उसके स्थान पर जो राइजोम होता है, राइजोम के ऊपर एडवेंटिशियस रूट्स पाए जाते हैं। जैसे कि ये इस तरह से ये आपके राइजोम है, ये राइजोम है और इस राइजोम के ऊपर ये राइजोम है और राइजोम के ऊपर एडवेंटिशियस रूट्स पाई जाती है। देन राइजोम क्या होता है? राइजोम इसका अंडरग्राउंड पार्ट है और यह थोड़ा छोटा और क्रीपिंग या विसर्पी प्रकार का होता है, यानी भूमि के नीचे ये क्रीप नेचर में पाया जाता है। देन इसकी लीव्स, इसकी लीव्स को एक विशेष नाम कहा जाता है, दैट इज फ्रॉन्ड। दूसरा, इसकी लीव्स जो है उनमें कोइलिंग पाई जाती है या कुंडलन पाई जाती है और यह कोइलिंग और कुंडलन इसकी यंग लीव्स में ही पाई जाती है। लीव्स या तो सिंपल पिन्नेट होती है या बाय पिन्नेट या ट्राई पिन्नेट प्रकार की होती है। इन बातों को हम इस तरह से यहाँ पर इसमें स्टडी कर सकते हैं। द प्राइमरी रूट इज एफेमेरल एंड राइजोम पॉसेस न्यूमरस स्लेंडर फाइब्रस एडवेंटिशियस रूट। द राइजोम इज शॉर्ट एंड स्लेंडर एंड क्रीपिंग। द यंग लीव्स आर सिरसिनेटली कॉइल्ड होती है और बेसल पार्ट ऑफ पिटियोल इज कवर्ड बाय स्केल और हेयर। यानी इनके जो लीव्स हैं, इनके लीव्स का जो बेसल पार्ट होता है उसको पिट्यूल कहते हैं और इस पिट्यूल के ऊपर इनमें स्केल्स या फिर हेयर्स पाए जाते हैं। द लीव्स आर सिंपल पिन्नेट और बाय पिन्नेट और बाय और ट्राई पिन्नेट। देन हम इनके बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन स्पोर्स के द्वारा होता है, मेनली जो है स्पोर्स के द्वारा होता है। इसके अलावा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी होता है। हम यहाँ पर स्पोर्स रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। दूसरा, यह एक होमोस्पोरस फर्न होती है, यानी इसमें समान प्रकार के स्पोर्स पाए जाते हैं। टेरिडोफाइट्स है तो स्पोर्स इनमें जो है स्पोरेंजिया के अंदर बनेंगे, स्पोरेंजिया में इनके स्पोर्स बनेंगे और ये स्पोरेंजिया इनके लीव्स, लीव्स के भाग होते हैं पिन्यूल, पिन्यूल के एबेक्सियल साइड यानी उसके निचले सतह पर बनेंगे और बहुत अधिक संख्या में बनते हैं। ए फ्यू स्पीसीज आर डायमॉर्फिक, यानी कुछ स्पीसीज जो होती है उनमें फर्टाइल और स्टराइल पिन्यून भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। इस पिक्चर के अंदर हम इसके सॉरस, एक सॉरस को देख पा रहे हैं। सबसे पहले हम बी डायग्राम, यहाँ पर इस डायग्राम की बात करते हैं। इसमें ये टेरिस का एक फ्रॉन्ड दिखाया गया है और एक फ्रॉन्ड में ये इसके पिन्यूल्स हैं और इन पिन्यूल्स के मार्जिन पर सॉरस पाए जा रहे हैं। आपको ये जो पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स दिख रही हैं, ये इसके, ये वाले पॉइंटेड स्ट्रक्चर जो है ये इसके सॉरस कहलाते हैं। और सॉरस क्या होता है? ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया। सॉरस स्पोरेंजिया का समूह होता है। इस पिक्चर को हम एक्सटेंड करके यहाँ पर इसमें देख सकते हैं। ये इसका एक पिन्यूल है, टेरिस का एक पिन्यूल है और यहाँ पर इसका ये एक सॉरस दिखाया जा रहा है। इस सॉरस में कई स्पोरेंजिया है। एक सॉरस के स्पोरेंजिया भिन्न भिन्न स्टेजेस में पाए जाते हैं। जैसे कुछ स्पोरेंजिया डिहिसेंस की स्थिति में होते हैं, कुछ मैच्योर होते हैं और कुछ का फॉर्मेशन अभी स्टार्ट ही होता है, यानी अलग अलग स्टेजेस में पाए जाते हैं। इसलिए इसके
सॉरस को मिक्स्ड टाइप ऑफ सॉरस कहते हैं। टेरिस में फॉल्स इंडुइज्म पाया जाता है। फॉल्स इंडुइज्म इसलिए पाया जाता है क्योंकि यह केवल लोअर साइड से ही इंडुइज्म के द्वारा ढका हुआ होता है, दोनों तरफ से इसके अंदर इंडुइज्म नहीं पाया जाता है। इसके एक सॉरस, हमने कहा है कि ये इसका एक सॉरस है और इस सॉरस में कई स्पोरेंजिया पाए जा रहे हैं और इन स्पोरेंजिया के बीच में इसमें हेयर्स भी पाए जाते हैं। इस डायग्राम में हम स्पोरेंजिया के डेवलपमेंट के बारे में स्टडी करेंगे। तो टेरिस का स्पोरेंजियम डेवलपमेंट लेप्टोस्पोरेंजिया टाइप प्रकार का होता है, यानी इसमें स्पोरेंजियम का डेवलपमेंट ग्रुप ऑफ सेल्स के द्वारा नहीं होकर केवल एक सेल के द्वारा होगा और उस सेल को स्पोरेंजियल इनिशियल कहते हैं। ये स्पोरेंजियल इनिशियल इसके लीव्स या पिन्यूल्स के मार्जिन्स पर डेवलप होते हैं। ये स्पोरेंजियल इनिशियल एक विशेष प्रकार के टिश्यू के ऊपर डेवलप होता है और इस टिश्यू को फ्लैटन्ड रिसेप्टिकल कहते हैं, या वह टिश्यू जिसके ऊपर स्पोरेंजिया का निर्माण शुरू होता है उसे रिसेप्टिकल कहते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर यह रहेगी कि इनमें डेवलपमेंट जो है लेप्टोस्पोरेंजिएट प्रकार का होता है, यानी इसमें केवल एक सिंगल इनिशियल सेल होती है और उस इनिशियल सेल को स्पोरेंजियल इनिशियल कहते हैं। ये स्पोरेंजियल सेल कुछ ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट हुई भी रहती है। इन स्पोरेंजियल इनिशियल्स के डेवलपमेंट में या अपीयरेंस में कोई रेगुलरिटी नहीं होती है, यानी कुछ स्पोरेंजियल इनिशियल पहले बन जाते हैं कुछ बाद में, इसलिए इस प्रकार के सॉरस को क्या कहते हैं, मिक्स्ड नेचर ऑफ सॉरस कहते हैं। तो बी डायग्राम में हम बात करते हैं स्पोरेंजियल इनिशियल के डिवीजन की। स्पोरेंजियल इनिशियल में डिवीजन होता है और यहाँ पर डिवीजन जो होगा वो होगा पेरिक्लिनल। पेरिक्लिनल या परिणत विभाजन पेरिफेरी के अनुसार, यानी जो सेल होती है उसकी पेरिफेरी के पैरेलल होता है और इस पेरिक्लिनल डिवीजन से दो सेल्स बनती है, एक तो आउटर और दूसरा इनर सेल। इनर सेल आगे डिवाइड नहीं होती है और यदि यह डिवाइड होती भी है तो स्पोरेंजिया के डेवलपमेंट में भाग नहीं लेती, यानी हम कहेंगे आगे स्पोरेंजियम का जो डेवलपमेंट होगा वो इसके आउटर सेल के द्वारा, यानी बाहरी जो सेल है जैसे यहाँ पर ये वाली आउटर सेल है, इस सेल के द्वारा ही होगा। तो इस बाहरी आउटर सेल में तीन डायगनल डिवीजन होते हैं और तीन डायगनल डिवीजन होने से एक पिरामिड आकार की एपिकल सेल बन जाती है। पिरामिड आकार की एक एपिकल सेल का फॉर्मेशन इसमें हो जाता है। इसको आप एफ डायग्राम के अंदर क्लियरली एपिकल सेल जो है उसका फॉर्मेशन हुआ हुआ देख सकते हैं। सबसे पहले जैसे सी डायग्राम है उसमें स्पोरेंजियल इनिशियल, डी डायग्राम में आउटर और इनर सेल, तो हमने कहा इनर सेल से आगे कोई डिवीजन नहीं होगा, केवल आउटर सेल से होगा। आउटर सेल में डायगनल डिवीजन होता है, यहाँ पर डायगनल डिवीजन हुए और एफ के अंदर एक एपिकल सेल का फॉर्मेशन हो चुका है। इस एपिकल सेल में एच डायग्राम में आप देखिए इस एपिकल सेल में एक पेरिक्लिनल डिवीजन और होता है। पेरिक्लिनल डिवीजन यानी पेरिफ्री के परिणत, तो एपिकल सेल में पेरिक्लिनल डिवीजन होने से दो सेल बन जाती है, एक तो जैकेट इनिशियल और दूसरा आर्किस्पोरियल सेल बन जाती है। आर्किस्पोरियल सेल अब
इंटरनल एपिकल सेल की तरह कार्य करती है और इसके चार कटिंग फेस होते हैं और उन चार कटिंग फेस से इसमें टैपिटल इनिशियल्स बनते हैं। टैपिटल इनिशियल्स बनते हैं और ये टैपिटल इनिशियल आगे डिवाइड होकर दो स्तर की टैपिटम बनाते हैं। आई डायग्राम में आप इस चीज़ को देख सकते हैं। आई डायग्राम में यहाँ पर क्या बन गए हैं, टैपिटल इनिशियल्स बन गए हैं। ये तो अंदर की सेल है और ये सेल जो है बाहर की तरफ क्या बनाती है, हमने कहा टैपिटल इनिशियल्स बनाती हैं, चार टैपिटल इनिशियल्स बनाती है और ये टैपिटल इनिशियल्स पूरा टैपिटल लेयर बनाती है और ये टैपिटल लेयर डबल लेयर होती है। अब हम बात करते हैं बीच की कोशिका से, यानी जो हमारे आर्किस्पोरियल सेल है। आर्किस्पोरियल सेल इनके बीच में या मध्य में होती है। इस आर्किस्पोरियल सेल में आगे चार डिवीजन होते हैं और चार डिवीजन होने से इसमें 16 स्पोर मदर सेल्स बन जाती है। स्पोर मदर सेल्स, ये स्पोर मदर सेल्स किससे बनेंगी, इस आर्किस्पोरियल सेल से स्पोर मदर सेल बन जाएगी और इनकी संख्या कितनी होगी, 16 की संख्या में ये बनेगी। इस दौरान जो टैपिटल सेल्स होती है उनमें ब्रेकडाउन होता है और वो ब्रेकडाउन होकर उनसे जो न्यूट्रिशन फ्लूड मिलता है वो इन स्पोर मदर के न्यूट्रिशन में काम आता है। नेक्स्ट स्टेज में क्या होगा, इन 16 स्पोर मदर सेल्स में मियोसिस होगा और प्रत्येक सेल से चार अगुणित हैप्लोइड स्पोर्स बनेंगे। इसका मतलब है टोटल कितने स्पोर्स बन गए, 64। लेकिन कई बार इनमें से कुछ स्पोर्स जो हैं या स्पोर मदर सेल्स जो है वो नष्ट हो जाती है या आगे डिवाइड नहीं होती, इसलिए हम कहेंगे कि यह आवश्यक नहीं है कि हमेशा ही 64 स्पोर्स इनमें बने। तो इस प्रकार से हमने देखा कि इसमें जो है स्पोरेंजियम का निर्माण लेप्टोस्पोरेंजियट यानी एक स्पोरेंजियल इनिशियल से पूरा स्पोरेंजियम का फॉर्मेशन हो जाता है। अब अगर हम बात करें इसके स्पोरेंजियम, तो इसका जो स्पोरेंजियम होता है उसका प्रॉक्सिमल और डिस्टल पार्ट जो है वो अलग अलग तरीके से बनता है। इसका डिस्टल पार्ट या दूरस्थ सिरा जो है जैकेट इनिशियल से बनता है और यह एक लेयर होती है। इसका जो स्पोरेंजियम होता है उसमें वर्टिकल सेल्स 13 यानी 13 वर्टिकल सेल्स जो है वो एनुलस के रूप में डिफरेंशिएट होती है। इस चीज़ को हम आगे के डायग्राम में देखेंगे। तो मैच्योर स्पोरेंजियम में क्या होगा, मैच्योर स्पोरेंजियम जो होता है इसका डिफरेंशिएटेड इनटू स्टाक एंड ए कैप्स्यूल। स्पोरेंजियल जैकेट इज सिंगल लेयर एंड एनुलस ऑफ 13 थिक वॉल्ड सेल, यानी स्पोरेंजियम के अंदर क्या पाया जाएगा, एनुलस, और उस एनुलस में कितनी सेल्स होगी, 13 सेल। और ये 13 सेल्स कैसी होती है, थिक होती है या मोटी भित्ती वाली होती है। और एट इट्स डिस्टल एंड द एनुलस जॉइंट्स ए स्ट्रिप ऑफ थिन वॉल्ड सेल्स द स्ट्रोमियम। इसको हम जो है इस डायग्राम में इसको देख सकते हैं। यहाँ पर ये एक स्पोरेंजियम है और इस स्पोरेंजियम में ये यहाँ पर क्या पाया जा रहा है, एनुलस पाया जा रहा है। इतना ये एनुलस पाया जा रहा है और एनुलस के साथ में ये क्या पाया जा रहा है, यहाँ पर स्ट्रोमियम। तो ये एक डेवलप्ड स्पोरेंजियम की स्ट्रक्चर है और यहाँ पर ये इसका क्या पाया जाता है, स्टॉक पाया जा रहा है। इस स्लाइड में आपको स्पोरेंजियम का स्फुटन दिखाया जा रहा है।
ए डायग्राम में मैच्योर स्पोरेंजियम की स्ट्रक्चर दिखाई गई है, बी डायग्राम में इसका स्पुटन दिखाया गया है यानी डिसेंस दिखाया गया है। डिसेंस के दौरान क्या होता है, आपको एक बात ध्यान रखनी है कि इसका जो एनुलस होती है, एनुलस की सेल्स कुछ विशेष प्रकार की होती है। इन एनुलस की सेल्स की रेडियल और इनर टेंजेंशियल वॉल थिक होती है। ये रेडियल और ये इनर टेंजेंशियल वॉल इनकी क्या होती है, थिक होती है। और तो आउटर सेल्स कैसी होगी, थिन होगी यानी पतली होगी। इन पतली सेल्स के पाए जाने के कारण इनमें एवोपोरेशन होता है और उस एवोपोरेशन के कारण स्पोरेंजियम में स्फुटन होता है। तो बी डायग्राम में आप देखिए यहाँ पर इसका स्फुटन जो है वो शुरू हो गया है। तो एनुलस की जो सेल्स होती हैं उनमें डिफरेंशियल थिकनिंग पाई जाती है यानी आउटर वॉल पतली होती है। पतली होने के कारण जब इन सेल्स से एवपोरेशन होता है तो यह स्पोरेंजियम भीतर की तरफ मुड़ जाता है। भीतर की तरफ मुड़ने के कारण इनके स्टोमियम पे दबाव पड़ता है क्योंकि स्टोमियम की सेल्स जो होती है वो कंपैरेटिवली वीक होती है। तो स्टोमियम के स्थान से ये स्पोरेंजियम यहाँ पर देखिए ब्रेक डाउन हो जाता है। तो सी डायग्राम में आपको ब्रोकन स्टोमियम दिखाया जा रहा है, स्टोमियम वाले स्थान पर ये ब्रेक डाउन हो जाता है। डी डायग्राम में आप देख रहे हैं कि एनुलस और स्टोमियम वाला भाग जो है वो बैक चला जाता है। यहाँ पर डी डायग्राम में आप देख रहे हैं कि कुछ स्पोर्स का बाहर की तरफ फैलाव हो चुका है लेकिन कुछ स्पोर्स जो है आप देख रहे हैं यहाँ पर इसके अटैच हुए हुए पाए जा रहे हैं। तो इन स्पोर्स का किस प्रकार से आगे इनको वायु के माध्यम से फैलाया जाएगा कि जब ये एनुलस और स्टोमियम वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आएंगे उस समय ये स्पोर्स जो है बाहर की तरफ इनका मूवमेंट हो जाएगा। तो इस तरह से स्पोर या जो बाकी के रिमेनिंग स्पोर्स जो है उनका फोर्सिबली इजेक्शन हो जाएगा। जैसे ई डायग्राम में आप देख रहे हैं ये स्टोमियम वाला भाग जो है वो वापस अपनी पोजीशन पर आ जाता है। वापस अपनी पोजीशन पर आने से ये स्पोर्स जो है इनका बाहर की तरफ इजेक्शन हो जाता है। तो इस प्रकार से टेरिस में स्पोरेंजियम का डेवलपमेंट और उनमें स्पुटन की प्रक्रिया पाई जाती है।